माइनक्राफ्ट लाइफ स्टाइल पार्ट 1 में आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग को अपने शुरुआती दिनों में यहाँ पे डायमंड्स की बौछार हो गई थी, बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट किए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शुरू होता है मरने का सिलसिला। सबसे पहले मैं यहाँ पे मरता हूँ अपने फ्रेंड को बचाने के चक्कर में, उसके बाद मैं मरता हूँ यहाँ पे अपना सामान वापस से उठाने के चक्कर में, और वहाँ पे मुझे मारता है एक स्केल्टन। उसके बाद मैं क्रीफर से फटता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बंदा मुझे डोमिनेट करता है क्योंकि मेरे पास कुछ सामान नहीं होता, मैं अपना सामान लेने जा रहा होता हूँ। तो इस तरह करते करते मैं यहाँ पे लगातार अपने हार्ट से यहाँ पे लूज़ करता रहता हूँ। अब कुछ कभी तो मुझे कोई बंदा मारता तो कभी मुझे कोई क्रीपर फाड़ता, क्योंकि मुझे अपना सामान लेने ही नहीं दे रहे थे। किसी तरीके से सामान लेके मैं एक बंदे को मारने जाता हूँ तो वहाँ पे भी मेरे साथ बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है, यानी कि मैं किसी तरीके से यहाँ पे ग्लिच की वजह से, जो कि माइनक्राफ्ट सर्वर का ग्लिच या इंटरनेट का ग्लिच, आई डोंट नो, मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। और ना चाहते हुए भी हम लोग को SMP छोड़ के यहाँ पे जाना पड़ता है बहुत ही दूर। अब आगे फाइनली भाई काफ़ी देर यहाँ पे बोटिंग करने के बाद हम लोग को एक आइलैंड गया, तो हम लोग वो आइलैंड के आसपास यहाँ पे गाइस मंडराने लगे क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब कुछ मिल जाए उसकी उम्मीद में। और मुझे गाइस आइलैंड पे यहाँ पे दिखता है कुछ फेंसेस, तो पहले मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई आया नहीं होता। यहाँ पे होता है एक विलेज, तो हम लोग उस विलेज पे एक्सप्लोर। अरे क्यों मार रहा है भाई? नहीं नहीं मार लो भाई, ऐसा करो मैं यहाँ कोने में खड़ा होता हूँ, आ जाओ भाई आओ मारो मुझे, ले लो मेरा हार्ट भाई, अपने ही बंदे भाई मार रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे SMP से दूर थे, तो यार हम लोग की ग्राइंडिंग्स वगैरह पूरी जा चुकी थी, अपनी जितनी ग्राइंडिंग थी उतना हम लोग लेके यहाँ पे भाग चुके हैं SMP से और दूर आ चुके हैं। तो यहाँ पे गाइस विलेज में आने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सा लूटपाट करना पड़ेगा। तो गाइस लूटपाट करते वक्त हम लोग यहाँ पे एक आयरन गोलम दिख जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे फटाफट यहाँ पे मारना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि भाई अब इससे भी हम लोग को आयरन चाहिए था। मतलब लिटरली भाई मैं आयरन गोलम को नहीं मारता, लेकिन क्या रे भीख मांग गया, आयरन चाहिए इसीलिए क्या देख रहा है करना पड़ेगा। तू अब हलवाई क्या सकता है इस विलेज को। सो हम लोग ने यहाँ पे फटाफट यहाँ पे आयरन गोलम को यहाँ पे निपटा दिया। आयरन गोलम को निपटाने के बाद यहाँ पे फटाफट हम लोग यहाँ पे जितना भी आयरन थे उसके यहाँ पे ले लिए। उसके बाद यहाँ पे पासी में मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुंदर सा रविन दिख गया, जिसके क्या यहाँ पे मैंने जाके थोड़ा बहुत कोल्स और एंड थोड़ा बहुत और यहाँ पे इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करने के बाद हम लोग को आगे जाके थोड़ा सा प्लेन एरिया मिला, तो वहाँ पे हम लोग ने कुछ काऊ वगैरह को यहाँ पे फेंस पे बांध दिया, क्योंकि हम लोग को लेदर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए थी। तो इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे अपना छोटा सा यहाँ पे बेस बनाना शुरू किया, और गाइस देखते ही देखते हम लोग यहाँ पे छोटा सा कुटिया मतीन लाइक लिटिल भाई, एकदम छोटा सा 1x1 इग्लू टाइप, इग्लू क्या बोल रहा हूँ यार मैं, इग्लू नहीं इसको क्या बोलते हैं, झोपड़ी झोपड़ी, हाँ हाँ झोपड़ी झोपड़ी। उसके बाद कैसे हम लोग यहाँ पे निकल जाते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि अपने वर्ल्ड को हम लोग ने कुछ इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। तो गाइस एक्सप्लोरेशन के समय यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं कौन, रॉमलेस भाई, और गाइस बोल लिटरली भाई यहाँ पे पूरे डायमंड में यहाँ पे कवर थे, तो उनको आई डोंट नो कैसे उन्होंने अपना सामान सेव किया। और देखते ही देखते हम लोग को मिल जाता है रूइन पोर्टल, जो कि अपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम आने वाला है। तो मैं उसका यहाँ पे चेस्ट चेकआउट करता हूँ, उसमें मुझे कुछ खास चीज़ यहाँ पे मिलती नहीं है, होय वगैरह मिलती है जो कि अपने कुछ काम आएगी नहीं उतना। उसके बाद यहाँ पे रॉमलेस भाई यहाँ पे गाइस जितने भी ऑक्सीजन रहते हैं उसको यहाँ पे कलेक्ट करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, और उसमें से एक ही ऑप्शन हमको भी मिल जाता है, जिसका कि यहाँ पे मेरा चैलेंज कंप्लीट होता है, आइस बकेट वाला जो एडवांसमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए। आगे बढ़ते ही यहाँ पे मुझे एक शिपरैक की तरह यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देती है, तो मैं फटाफट यहाँ पे उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए उसके पास यहाँ पे चले जाता हूँ। अगर इस पास जाके क्या देखता हूँ कि ये तो भाई एक शिपरैक ही है जो कि पूरे आइस में यहाँ पे दबा हुआ है। तो मैं फटाफट आ जाओगे इसके यहाँ पे चेस्ट ढूंढते हैं, तो गाइस मैं फटाफट यहाँ पे जितनी भी लकड़ी वगैरह आती है उसको यहाँ पे फटाफट तोड़ के यहाँ पे चेस्ट ढूंढने चल जाता हूँ। और चेस्ट मुझे यहाँ पे कुछ आयरन, कुछ एमरल्ड और कुछ यहाँ पे गोल्ड नगेट और कुछ आयरन के नगेट यहाँ पे मिलते हैं, और एमरल्ड जो थे यहाँ पे रॉमलेस भाई ने रख लिए थे। तो इसका एक और चेस्ट आता है कि मैं यहाँ पे लूटने था, जब तक कि यहाँ पे रॉमलेस भाई ऑलरेडी इसको यहाँ पे लूट चुके थे, तो उसमें भी उनको यहाँ पे कुछ ज्यादा खास चीजें मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ से हम लोग को मिल जाता है एक ट्रेजर मैप, जिसको कि मैं यहाँ पे फटाफट यहाँ पे ढूंढने यहाँ पे निकल जाता हूँ रॉमलेस भाई के साथ। तो यहाँ पे काफी देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे फाइनली वो ओशन मिल जाता है, तो भाई वो ओशन के अंदर रहता है, तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे कुछ डोज यहाँ पे बना लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मतलब लाइक मेरे पास तो ऑलरेडी यहाँ पे चार ही हेल्थ है, तो मैं ब्रीथ ज्यादा करके सर्वाइव कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे डोर बना लेता हूँ, गाइस एक आयरन की शवल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे रहती है, उससे मैं अपने अगल बगल का एरिया यहाँ पे खोदना यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। और लिटरली भाई काफी ज्यादा लाइक यहाँ पे मतलब लाइक
सैंड वगैरह आता है तो हम लोग को आयरन के शॉल से यहाँ पे खोदना पड़ता है। लेकिन भाई आयरन के शॉल का खोदना हम लोग का जाया यहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फाइनली भाई अपना मिल चुका था ट्रेजर। और भाई ट्रेजर में यार कुछ खास नहीं, यहाँ पे कुछ TNTs मिलते हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे काम आएगी, कुछ गोल्ड मिलते हैं, और उसके बाद कुछ यहाँ पे फिश वगैरह आती है, कुछ एमरल्ड्स वगैरह आते हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डोमिनोज ने यहाँ पे ले लिए थे। तो मैं यहाँ पे TNT गोल्ड एंड बाकी सारी चीज़ें जितने भी थी उसको भी फटाफट यहाँ पे ले लेता हूँ और कलेक्ट करके यहाँ पे निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। क्योंकि भाई लिटरली अब मतलब हम लोग के पास अच्छी खासी थोड़ी बहुत यहाँ पे लूट हो गई थी, तो अब वापस घर जाने की बारी। तो वहाँ पे मैं गाइस यहाँ पे घर आकर देखता हूँ कि यहाँ पे डोमिनोज कार्ने जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बना रहे थे कुछ अच्छा सा वॉल ताकि भाई अपना थोड़ा सा बेस थोड़ा सा अच्छा दिखे। और ये वॉल थोड़ी ठीक ही लग रही थी अभी के लिए, मतलब हम लोग के लिए काम चलाऊ थी। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे नेदर पोर्टल भी तब तक यहाँ पे बन के तैयार हो गया था। तो अब हम लोग की बारी थी यहाँ पे नेदर पोर्टल में जाने की, तो हम तीनों यहाँ पे घुस गए एक साथ यहाँ पे नेदर पोर्टल में ताकि भाई SMP के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे खौफ बन जाए, समझ रहे हो, हम तीनों का खौफ, इसीलिए हम तीनों एक साथ यहाँ पे नेदर पोर्टल में घुसे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग SMP में यहाँ पे लाइक लिटरली भाई सबसे पहले यहाँ पर नेदर में यहाँ पे चले गए थे, तो नेदर में यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लोर करके वापस यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ हम लोग को उतना खास यहाँ पे स्पॉन यहाँ पे बढ़िया था ही नहीं, ठीक ठाक स्पॉन था तो जो कि हम लोग यहाँ पे काम आएगा आगे चल के एंसेंट डेब्रीज जब हम लोग यहाँ पे माइन करेंगे तब काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं निकला तो थोड़ा बहुत यहाँ पे माइनिंग करने, क्योंकि अब आए थे अपने यहाँ पे डायमंड को पूरे से यहाँ पे कवर करने की। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ यहाँ पे जाता हूँ अपने घर से लाइक थोड़ा बहुत माइन बना के यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे जब जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख जाती है 1.19 की एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे केव एंड क्लिप्स वाली यहाँ पे गाइज लिटरली केव। तो मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करने लगता हूँ, और जैसे एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे मुझे बारी थी यहाँ पे डायमंड माइनिंग करने की। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ा देर यहाँ पे पूरा डायमंड यहाँ पे माइन करके। सो फाइनली भाई यहाँ पे बहुत देर यहाँ पे कंटिन्यूअस यहाँ पे माइन करने के बाद मेरे को यहाँ पे मिल चुके थे टोटल यहाँ पे 58 डायमंड, जिससे कि अपने यहाँ पे डायमंड के आर्मर्स एंड टूल्स यहाँ पे पूरे बन के यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो मैं उनको लेके फटाफट अपने जहाँ से केव था वहाँ से मैं बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद अपना सबसे पहला काम था जितने भी यहाँ पे स्टोन वगैरह थे उसको यहाँ पे रखना और सीधे अपना यहाँ पे डायमंड के आर्मर एंड टूल्स बनाना, जो कि मैं यहाँ पे तुरंत यहाँ पे करने लगता हूँ। तो सबसे मैं अपने पहले यहाँ पे डायमंड की गाइस चेस्ट लेगिंग्स, उसके बाद यहाँ पे शूज, और उसके बाद गाइस अपना यहाँ पे हेलमेट यहाँ पे बनाता हूँ जिससे कि अपना कवर मेन डायमंड्स वाला अचीवमेंट भी यहाँ पे तैयार हो जाता है। और उसके बाद मैं उसको यहाँ पे फटाफट यहाँ पे पहन लेता हूँ। पहनने के बाद यहाँ फटाफट मैं यहाँ पे टूल्स कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे टूल्स वगैरह बनाता हूँ, और इस टूल्स वगैरह मैं अब तक एक्स एंड कुछ स्वॉर्ड्स बनाता हूँ, और उसके बाद यार इसमें पूरी तरीके से यहाँ पे डायमंड में यहाँ पे कवर हो चुका होता हूँ। तो मैं जितने देर में यहाँ पे डायमंड में कवर होकर थोड़ा बहुत यहाँ पे इधर उधर घूम ही रहा होता हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ कुछ एक स्ट्रेंज चीज होती है। मैं कुछ यहाँ पे देर AFK था, लेकिन यहाँ पे एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखता है जो कि टाका झाकी कर रहा होता है। मैं उसको फटाफट यहाँ पे पकड़ लेता हूँ और मैं उसके यहाँ पे पीछे भागने रहता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने यहाँ पे एक बेड लगाया है ताकि वो भाई जब मैं AFK जाऊँ तो चोरी कर सके। तो मैं भी इसको फटाफट यहाँ पे मारने के लिए यहाँ पे दौड़ जाता हूँ, और वो मुझसे यहाँ पे बचने के लिए भाई किसी तरह से यहाँ पे भाग रहा होता है। लेकिन भाई मैं किसी तरीके से यहाँ पे उसको यहाँ पे निपटाने के लिए पूरा तरीके से एक्स उसको यहाँ पे मार देता हूँ। अब मारने के बाद यहाँ पे इसका स्पॉन यहीं पे सेट होता है, तो इसके बाद यहाँ पे ये बंदा वहीं पे स्पॉन होता है और ये मुझे अपने हाथ वगैरह से मारने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इसको पता चला कि मेरे पास HP बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन वो किसी तरीके से यहाँ पे मार नहीं पाता है, उसका मैं एक और हार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद ये बंदा फिर से आता है मुझे मारने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 ही हार्ट है और वो मुझे यहाँ पे गाइस लिटरली भाई अपने हाथ से मारेगा तो भी मैं मर जाऊंगा। तो इससे बचने के लिए मैं फटाफट यहाँ पे जो भी मछली वगैरह आती है मेरे पास कुक्ड उसको मैं यहाँ पे फटाफट खाने लगता हूँ, क्योंकि इसी का हार्ट से मैं यहाँ पे HP यहाँ पे भरी हुई है जो कि मुझे थोड़ा बहुत हार्ट्स मिले हैं। तो मैं उसको यहाँ पे फुल करने लगता हूँ। गाइस देखते देखते यहाँ पे मेरे थोड़े से हार्ट यहाँ पे फुल हो जाते हैं, और इसको यहाँ पे गाइस ये पता चल जाता है क्योंकि ऊपर हार्ट यहाँ पे लिख के आता है। ये मुझसे यहाँ पे डर के भागने लगता है, लेकिन मैं किसी तरीके से इसको एक बार और इसको यहाँ पे निपटा देता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे धमकी यहाँ पे देता हूँ कि भाई वो बोलता है मुझसे मत मारो यार, तो मैंने उसको सीधा बोला कि मेरे बेस पे क्यों आया तू, मतलब लिटरली भाई ये ताका झाकी कर रहा है और मेरे AFK जाने का इंतजार कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे एक और यहाँ पे वार्निंग देता हूँ कि अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तूने मेरा यहाँ पे बेस देख लिया है, ठीक है। तो ये बोल रहा था फ्रेंड बनाने को, तो मैं इसको फ्रेंड एक्सेप्ट यहाँ पे गाइज नहीं एक्सेप्ट करता। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कि ये कहीं छुप जाता है जाके, तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि इसने यहाँ पे बेड लगा के इसका है, देखो ये देखो क्राउच करके बैठा है। तो मैं फटाफट यहाँ पे गाइज इसको हटाता हूँ, इसको यहाँ पे मारना यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि यहाँ पे लिटरली भाई ये बंदा एक और बार मर जाता है और ये मुझे यहाँ पे हार्ट दे देता है। उसके बाद ये बंदा फिर से आ गया था और गाइज ये अब बेड तोड़ने का यहाँ पे ट्राई कर रहा था, क्योंकि ये लिटरली भाई इसको पता था कि ये बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे फंस चुका है। और गाइज कैसे कैसे ये भाग के यहाँ पे बस चाह रहा था कि अपना बैट तोड़ दे, स्पॉन तोड़ दे, क्योंकि भाई वरना ये पूरे तरीके से मैं इसको यहाँ पे बैन करने पे लिटरली भाई तुला था, क्योंकि ये बंदा लिटरली भाई मेरे बेस के अगल बगल यहाँ पे
घूम के ताका झाकी करके यहाँ पे किसी तरीके से पूरा चोरी करने चाहता था, लेकिन भाई मैंने इसका प्लान यहाँ पे फेल कर दिया है। तो भाई देखते ही देखते यहाँ पे ये बंदा भाई लिटरली मुझे यहाँ पे कब से भगाया जा रहा था, लेकिन भाई तेरा भाई ने भी उसका यहाँ पे पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा। लिटरली भाई वो उसको एकदम चिपक के एकदम यहाँ पे फॉलो करता रहा। और गाइस वो घड़ी आई गई जिसका था तुम्हें इंतजार, समझ रहे हो, मैंने उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। और गाइस इस बंदे ने लिटरली मुझे टोटल यहाँ पे 10 हार्ट जो मेरे पुराने वाले थे उसको यहाँ पे दे दिया। और गाइस इसको मैंने यहाँ पे वार्निंग भी दे दी, यहाँ पे दोबारा मत आना वरना ये पूरा तरीके से यहाँ पे बैन कर दूंगा उसको। और उतने देर में ये यहाँ पे लेफ्ट कर गया। सो गाइस यहाँ पे जो मेरी डायमंड माइनिंग थी ना उसकी वजह से मैं यहाँ पे बच चुका हूँ, अपने डायमंड आर्मर्स एंड डायमंड टूल्स की वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ बच चुका हूँ। और वरना मैं यहाँ पे गाइस 4 हार्ट पे था, वो बंदा मुझे हाथ से यहाँ पे निपटा देता भाई। लिटरली मैं डायमंड की वजह से यहाँ पे बच गया। और इसी बात पे गाइस मिठाइयाँ बांट दी कि अपने जितने हार्ट से वो सारे यहाँ पे वापस आ गए, अब मैं फिर से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर यहाँ पे बन सकता हूँ। तो भाई इसी बात पे एक लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब ठोक देना, और लाइव शेयर पार्ट 3 के लिए बने रहो।